इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। डिबेट करना चाहिए, इसका लिंकेज भी उस चीज से है। ये जो यूनाइटेड नेशन की गाड़ियों को जो निशाना बनाया गया, इसका लिंकेज भी सर्जिकल स्ट्राइक से है। वो इस तरह है कि आज भारत जो कुछ भी करता है एनओसी के ऊपर, पाकिस्तान चूंकि ऑब्जर्वर्स को, यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर्स को लेके जाता है वहां पे, और हम यहाँ से मुख्तलिफ एम्बेसीज के नुमाइंदे भी लेके जाते हैं और उनको दिखाते हैं। आज ये गए हुए थे वहां पे भारत का, वो देखने के लिए कि इन्होंने भारत ने कितना सिविलियंस को निशाना बनाया और क्या नुकसान किए हैं। ये रिपोर्ट जब जाती है यूनाइटेड नेशन में तो लाजमी बात है कि भारत वो यूनाइटेड नेशन में रिपोर्ट सर्कुलेट होती है, भारत की बदनामी होती है। तो वो कोई बड़ा कदम उठाने से पहले वो चाहेंगे कि यहाँ पे ऑब्जर्वर्स को इस तरह डरा दिया जाए कि ये आए ना एलओसी के ऊपर। अब उनकी गाड़ी को निशाना बनाया, लिहाजा वो रिलक्टेंट होंगे कि जब कोई एक्शन चल रहा है, जब कोई ऐसी बात हो रही है वहां पे कि फायर हो रहा है तो वो जाके वहां पे देखें, वो इस चीज से गुरेज करेंगे। वरना ये सोचा भी नहीं जा सकता कि भारतीय गाड़ी नहीं पहचानते। एक तो ये सफेद रंग की गाड़ियां होती हैं, दूसरा इन पे बड़ा मोटा मोटा यूनाइटेड नेशन लिखा होता है, और फिर ये है ये एलओसी के पास सिर्फ यही गाड़ियां हैं जो कि मूव करती हैं, पाकिस्तान की या उनकी भारत की गाड़ियां वो तो मूव नहीं करती क्योंकि पता होता है कि उनको निशाना बनाया जाएगा। तो उस वजह से पाकिस्तान को, यूनाइटेड नेशन को भी हिलाना चाहिए कि ये जो काम किया गया इसका भी एक मकसद है, ऐसे नहीं किया गया। ठीक है, लिहाजा ये पूरी एक तस्वीर आपके सामने आ गई और इसमें दुनिया में हमें पूरी तरह प्रचार करना चाहिए कि भारत जरूर कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और उसके बाद कहीं ना कहीं एनएसजी के पार कहीं कोई ऐसा वाकया करने की कोशिश करेगा जिससे किसानों का जो मसला बना हुआ उनको मुल्क के अंदर और जो कश्मीर का उनसे तवज्जो हटाई जा सके और लोग जो है वो उस तरफ टकरे मारने के बजाय वो इधर देखें कि जी पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ गई। तो ये वो चीज है। बाकी जो असल किस्सा है वो ये है कि इस दफा अगर भारत मौका दे इस तरह की हरकत करे तो उसका जवाब बड़ा करारा होना चाहिए, मुंह बिगाड़ के वापस भेजना चाहिए। ऐसे ही कि इस दफा हमारा जवाब इतना ठोस होना चाहिए। और आपको पता है कि आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कुछ दिन पहले हाई अलर्ट पे, अफवाज को हाई अलर्ट पे कर दिया था इसी वजह से कि अब की दफा जवाब ठोस होगा और वो ऐसा होगा कि वो वाकई उसके निशाना जो है वो भारत पे सारी दुनिया देख सकेगी कि भारत के ऊपर ये निशाना। जनरल साहब, आपने सभी के सभी पॉइंट्स अभी खोलकर सामने रख दिए, वो पॉइंट्स जिनके जिन पर मैं आगे बात करना चाहती थी। मोना, आप बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे जनरल साहब ने रेज किए हैं। एक तो ये कि जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट किया गया है चारों अतराफ, ठीक है। दूसरा फिर ये कि जनरल साहब ने कहा कि हमें मजीद करारा जवाब देना होगा। मेरे ख्याल से 27 फरवरी का वाकया भी जवाब देने के हवाले से कोई छोटा नहीं था। वो अलग बात है कि भारत को कभी समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी हमें मजीद क्या इकदाम करना होंगे। देखें जरियाब, असल में काफी सारी बातें वही है कि जनरल साहब तो जाहिर है अपने सिंस इज अ वॉर वेटरन तो वो उस पर्सपेक्टिव में वो बता चुके हैं स्ट्रेटेजिकली भी। लेकिन अगर ब्लॉक्स देखें तो देखें ये ब्लॉक्स बहुत पहले से मौजूद थे। हमने यूएई को बता दिया है कि अब जो आपका न्यू फाउंड बेस्ट फ्रेंड है भारत, तो उनके क्या अजायम है हमारे हवाले से, क्योंकि ये तमाम जो अरब ब्लॉक है ये अपनी दफाई जरूरियात के लिए हम तमाम खेल में है कि पाकिस्तान की तरफ ही देखते हैं, पाकिस्तान पर ही रिलाई करते हैं। तो उनको ये बावर कराना बहुत जरूरी है कि उसके बदले आप पाकिस्तान का जो आर्च राइवल है भारत, अगर आप उसके साथ वार्म कर रहे हैं अपने टाइज और उसके साथ कुर्बतें अपनी बढ़ा रहे हैं तो उसका हमारे लिए क्या मकसद है। ये एक तो बावर कराना बहुत जरूरी था। ये बहुत अच्छा मूव है कि फॉरेन मिनिस्टर ने वहां जाकर ये प्रेस टॉक किया। आई टोटली इंडोर्स दिस। और अब देखिए ब्लॉक्स बड़े वाजे तौर पर नजर आ रहे हैं। थोड़े रोज पहले यूएई ने इसराइल को भी एक्सेप्ट किया है, फिर उसके बाद अब दीगर भी मामलात हम देख रहे हैं कि बहुत खबरें आई कि जी सऊदी अरेबिया की भी जो कयादत है उन्होंने भी मुलाकात की है इसराइली कयादत से, और बहुत कोई इस किस्म की चीजें चल रही हैं। हत्ता ये कि फिलहाल तो उसकी तरदीद हमें सऊदी अरेबिया की तरफ से मिली। लेकिन ये ब्लॉक्स बड़े अब वाजे तौर पर मौजूद हैं। इसराइल के साथ इनके वॉर्म हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स अमरीका के साथ हो रहे हैं। हत्ता ये कि जो बाइडन की जो अब नई रजीम आई है उसके बाद मैं समझती हूँ कि काफी कुछ बदलेगा
और कुछ बैलेंसिंग एक्ट वो जरूर करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के टाइम तक तो ये हम देख रहे थे कि उनकी बड़ी वाजे किस्म की टिल्ट नजर आ रही थी। फिर इन दोनों ने मिलकर भारत को भी साथ साथ इनके बहुत वार्म करवाया है और भारत की भी कुर्बतें इन्हीं दोनों ने यानी अमरीका ने और इसराइल ने बढ़ाई हैं अरब ब्लॉक के साथ। तो लिहाजा ये अब एक ब्लॉक बड़ा वाजे मौजूद है। अब हमें थोड़े रोज पहले पता है हम तमाम के इल्म में है कि जो $3 बिलियन हमें दिए थे सऊदी अरेबिया ने, वो भी हमने उनमें से $2 बिलियन हमने भी रिटर्न किए उनको चीन की मदद से। तो लिहाजा ये तमाम चीजें, ये प्रेशर टैक्टिक्स हमें बहुत पहले से फील हो रही है, इस किस्म का दबाव हमें पहले से फील हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अब बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे लिए सच्चाई क्या है, हमारे कौन दोस्त हैं, हमारे कौन दुश्मन हैं, और डिप्लोमेटिकली इन चीजों को सिफारती सतह पर अगर हम देखें, सिफारती सतह में एक बहुत एक कॉमनली यूज्ड फ्रेज है कि देर आर नो एनिमीज इन डिप्लोमेसी। तो यही चीज, इसी चीज का तकाजा हमें भी करना चाहिए, हमने दुश्मनी किसी से नहीं करनी। यकीनन अरब ब्लॉक के साथ भी अब हमारे जिस किस्म के रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं, वो बहुत बहुत देरीना है, इसमें कोई शक नहीं, हमने किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी, लेकिन हमने अपने कार्ड्स बहुत केयरफुली खेलने हैं और उनको ये बावर कराना है कि अगर आप हम पे रिलाई कर रहे हैं, हम वाहिद जोहरी ताकत हैं पूरे मुस्लिम उम्मा की, पूरे मुस्लिम दुनिया की, तो अगर आप हम पे अपनी जरूरियात के लिए रिलाई कर रहे हैं तो इसका ये भी देख लें कि आप हमारे दुश्मन से किस एक्सटेंट तक अपने ताल्लुकात को आप आगे बढ़ा सकते हैं और उनसे किस एक्सटेंट तक, किस हद तक आप अपनी दोस्ती और अपनी मोहब्बत को आगे बढ़ा सकते हैं, इस चीज का उनको बावर कराना बहुत जरूरी है। जैगम साहब, हमें अपनी स्ट्रेटेजी तब्दील करना होगी, ना कि ताल्लुकात जो हैं वो मुनक़ता करना होंगे दोस्त ममालिक के साथ भी, जो कि हम पर भी रिलाय करते हैं, जिस तरह के मोना ने भी फरमाया। चंद घंटे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसी के दौरान हम देखते हैं कि यूएन की गाड़ी पर हमला हो जाता है। मजीद भी अभी भी दुनिया को झंझोड़ने के लिए क्या कुछ करना होगा हमें? जी ज़रियाब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दुनिया को झंझोड़ना भी है और हमें यह भी देखना है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से इफेक्टिवली रन करें। जिस तरीके से पिछले कुछ अरसे से हम फॉरेन पॉलिसी को रन कर रहे हैं, ये बिल्कुल कोई तरीका नहीं है, ये कोई संजीदा तरीका नहीं है। जिस तरह की पॉपुलिस्ट फॉरेन पॉलिसी हमने अपनाई है, जिस तरह बयान दाग देते हैं, सोचे समझे बगैर किसी कॉन्फ्रेंस में जाने का ऐलान कर देते हैं, फिर किसी और जगह भागना पड़ता है, फिर हम कहते हैं जी सारी नहीं जाते, फिर पहुँच जाते हैं, फिर कहते हैं जी हमसे गलती हुई थी, हमें मलेशिया में आना चाहिए था। जिस तरह की ये फॉरेन पॉलिसी पॉपुलिस्ट चल रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान 70 साल से जो एक बैलेंस कायम रखे हुए है अरब और नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज़ में, वो डिस्टर्ब हो रहा है और जिसके नतीजे में हमें बहुत नुकसान हो रहा है। ये शाह महमूद कुरैशी, आप देखिए यूएई में हैं, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसकी हम दाद दे रहे हैं। साथ में ये भी देखिए कि अभी मैं थोड़ी देर पहले अल जजीरा की ये खबर पढ़ के आया हूँ कि कुरैशी साहब जिस काम के लिए गए थे, यानी जो वीज़ा का अफेयर था, उसमें वो ब्रेक थ्रू करने में नाकाम रहे हैं। तो ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी है। अब देखिए ये जो मामला है दुनिया में, दुनिया भर हमारी तरफ भागती थी जिस वक्त भी भारत और जंग का खतरा होता था, क्योंकि ये समझा जाता था इसके नतीजे में बात बढ़ सकती है और मामला न्यूक्लियर जंग तक जा सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ, एक तो भारत ने दुनिया को यकीन दिला दिया कि जी ये पाकिस्तान का ब्लफ है, आप इस बात में ना आए। फिर हमारे अपने स्टेटमेंट्स आप देखिए, बालाकोट के मामले पे वज़ीर आज़म साहब ने असेंबली के फ्लोर में कह दिया कि जी मैं क्या करूं, जंग कर दूं। अरे भाई, दुश्मनों से जंग भी हुआ करती है, जंगें भी करनी पड़ती हैं और हमने जंगें भी की हैं, और अगर वक्त आएगा तो हमने ये सारा इंतज़ाम जंग के लिए ही करके रखा है। आप क्यों एक क्रेडिबल थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, दुनिया को बता दे रहे हैं कि आप तो जंग किसी सूरत में भी नहीं करेंगे। देखिए, भारत को मालूम है कि वो हमसे जंग नहीं कर सकता, लेकिन उसने ये कोशिश मुसलसल की है कि जंग से नीचे रहते हुए। तो दोस्तों, पाकिस्तान का ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी यूएई में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें बोलते हैं कि भारत बहुत जल्दी तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है कि एक देश का फॉरेन मिनिस्टर किसी दूसरे देश में जाकर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। हालांकि ये फॉरेन मिनिस्टर वहाँ गए थे पाकिस्तानियों को जो वीज़ा नहीं मिल रहा है, पाकिस्तानी जिन्हें वर्क परमिट नहीं मिल रहा है, पाकिस्तानी जो यूएई और सऊदी अरेबिया में घुसने की परमिशन नहीं मिल रही है, उन्हें वीज़ा दिलाने के लिए गए थे, उनका ये सब
मतलब काम था, उसमें वो फेल हो गए। सऊदी अरब दुबई के लोगों ने बोल दिया कि भैया आपको यहाँ पे काम नहीं मिलेगा, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। मतलब शाह महमूद कुरैशी को वहाँ पे बोल दिया गया निकल, पहली फुर्सत में निकल। फिर इन्होंने एक दिमाग लगाया कि कुछ नहीं तो यही कर लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। इन्होंने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बोला कि भारत बहुत जल्दी एक तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक करेगा पाकिस्तान में। हालांकि ये वही पाकिस्तानी है जो भारत के द्वारा की गई दो सर्जिकल स्ट्राइक को कंसीडर नहीं करते। मतलब इनके हिसाब से वहाँ पे भारत गया और खेत में बम गिरा के आ गया। मतलब इतना जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, जो टारगेट्स हैं, वो सब सेट करके सब कुछ करते हैं, लेकिन इनके हिसाब से गया भारत ने यहीं से बम फेंके, वहाँ पे खेत में गिर गए, वो सर्जिकल, इनके हिसाब से वो सर्जिकल स्ट्राइक है। तो इनकी इतनी फटी क्यों पड़ी है? जब वो दो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो भैया तीसरी में भी तुम्हारे खेत में बम गिरेंगे, तुम टेंशन क्यों लेते हो? मतलब इनके हिसाब से, हालांकि इनको पता है कि कितना बड़ा लॉस हुआ था, समझ रहे हो आप। तो ये पाकिस्तानी वही हैं, फिर भी इनकी फटी पड़ी है। और यहाँ पर देखिए आप, पाकिस्तान के इस अमजद शोएब को सुना आपने, हालांकि ये सुनने लायक तो है नहीं क्योंकि ये इतना बड़ा झूठा है, ये आर्मी का रिटायर है, लेकिन इसकी बातें आप समझ सकते हैं एक भी सेंसिबल नहीं रहती हैं, बेवकूफ़ जैसी बातें रहती हैं। और ये हमेशा डिफेंडर इमरान खान का, आर्मी का, इसे नवाज़ शरीफ दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार लगता है, जो पाकिस्तान का 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर था, ये बोलता है कि नवाज़ शरीफ रॉ का एजेंट था। इसने एक वीडियो में बोला था, मैंने वो वीडियो अपलोड किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका लॉजिक, इसके जो तर्क हैं वो कितने अच्छे हैं, और इनके जो इनकी बातें हैं वो कैसी हैं। ये बोल रहा है कि इलेक्शन में मोदी को इलेक्शन जीतना है तो वो तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। मतलब भारत में हर साल 6 महीने में कहीं ना कहीं इलेक्शन होते हैं, तो मोदी को अगर इलेक्शन जीतना तो हर पाकिस्तान में हर बार सर्जिकल स्ट्राइक करे, इसके लॉजिक के हिसाब से बात ये बनती है। तो आपने अमजद शोएब को सुना, अमजद शोएब जैसे बेवकूफ़ जो पिछले कई लंबे समय से पाकिस्तानी मीडिया में आ रहे हैं, इनकी यही बातें रहती हैं। इनका बस एक ही लॉजिक है, भारत में जो मोदी है उसे इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान में बम गिराने पड़ते हैं, जिससे उसे हिंदू वोट देते हैं। मतलब ये है इनका लॉजिक। और आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया और यूएई ने पाकिस्तान को जो लोन दिया था $3 बिलियन का, उसे पाकिस्तान ने भीख मांगकर, मतलब भीख में लोन मांगा चाइना से और उसे वापस किया। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान और अरब देशों के वो ताल्लुकात कैसे हैं, और इस ताल्लुकात की वजह भारत नहीं है, जैसे ये समझते हैं बेवकूफ़। ये लोग अपना जो मतलब नया बाप टर्की को बना रहे हैं, मलेशिया को बना रहे हैं, नया मुस्लिम ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वजह से इनकी हो रही है ऐसी की तैसी। लेकिन ये समझते हैं कि भारत ने किया, अरब देशों में जो भी कुछ हुआ। अब यहाँ पे ये मोना आलम कह रही है कि अरब देशों का जो दिफा है, मतलब ये उर्दू का वर्ड है, मतलब सुरक्षा है, वो पाकिस्तान करता है। आप समझ सकते हैं अरबों की सुरक्षा ये करेंगे, अरबों जिनके पास इतना तेल है वो उनकी सुरक्षा ये भिखारी करेंगे। मतलब ये अपने आप को समझते क्या है। सऊदी अरब जिनके पास दुनिया के सबसे लेटेस्ट हथियार आने वाले हैं, ट्रंप से डील की उन्होंने F-35 की, और इनकी सुरक्षा ये करेंगे। मतलब हद हो गई बात करने की, उनके पास इतना पैसा, वो तो कहीं की भी फोर्सेस लाके खड़ी कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों किस तरीके की बेवकूफ़ी भरी बातें इस पाकिस्तानी मीडिया में होती हैं। और इन मोला आलम की सुन के तो आपको और भी बेवकूफ़ी भरा बयान, मतलब अरबों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी ही आगे आएंगे। ये अभी आपको याद होगा, पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था सऊदी अरब में, इनकी कुछ फौज है अमाउंट में, और इन्होंने कुछ फौजियों को ट्रेनिंग दी है। इनके राहिल शरीफ अभी वहीं पे हैं, और इंडियन आर्मी के भी मनोज नरवाने साहब वहीं पर हैं। तो यमन में जो बागी ग्रुप हैं उनके सामने पाकिस्तानियों का सरेंडर हुआ था, जिसका काफ़ी सोशल मीडिया में मजाक उड़ा था। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों किस तरीके से ये बातें हो रही हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं खत्म। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।